दोस्तों नयनतारा पुष्पा 2 मूवी को देखने के लिए पहुंच चुकी है ड्रामे और उन्होंने देखने के बाद बड़ा रिएक्शन दे दिया। नयनतारा का कहना है कि इस मूवी ने तो आते ही आग लगा दी है। इस मूवी को जो भी देखता है वह सिर्फ एक ही बात कहता है कि इस बार पुष्पा इंटरनेशनल है। और नयनतारा कहती है कि पुष्पा तू मूवी को कोई भी टक्कर नहीं दे रहा, अगर ऐसी मूवियां चलने लगी तो बॉलीवुड का दीवाना निकल जाएगा। इस मूवी ने हिंदी में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार परेशान हो चुके हैं। पुष्पा 2 मूवी का नाम आते ही सबको अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी है। यह अकेली ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने एक दिन में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और नयनतारा ने कहा कि इस मूवी को देखकर ऐसा लगा कि अब इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और इस मूवी में एक्शन सीन इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उनको देखकर हर कोई हैरान हो गया है। इस मूवी में अल्लू अर्जुन का जो आइकॉनिक किरदार है पुष्पा, वो इस बार काफी ज्यादा खतरनाक। नयनतारा ने कहा कि इस मूवी में ऐसे सीन हैं जिनको शूट करना हर किसी के बस की बात नहीं हो, क्योंकि इस मूवी ने एक दिन में हजारों करोड़ कमा लिए हैं और इस मूवी का बजट तो इस मूवी के ट्रेलर ने ही पूरा कर दिया है। दोस्तों इस बार पुष्पा 2 मूवी में अल्लू अर्जुन की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया है और इस मूवी ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़े और सारी ऑडियंस भी छीन ली है। उसके बाद नयनतारा ने कहा कि अब बॉलीवुड का दीवाला निकलने वाला है। और नयनतारा ने कहा कि इस बार पुष्पा 2 मूवी ने पूरी दुनिया में साउथ सिनेमा का नाम रोशन किया है और इसने दुबई जैसे देशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। इस मूवी ने इंडिया से ज्यादा विदेशों से कमाई की। अकेली ऐसी मूवी बन चुकी है पुष्पा जिसने सारे रिकॉर्ड को तोड़ा और विदेशों में भी अच्छी छाप छोड़ी। अगर पुष्पा 2 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। जहां तक एक्शन और स्टोरी टेलिंग की बात है, अल्लू अर्जुन का पुष्पा कैरेक्टर और उसकी इंटेंसिटी ने ऑडियंस का दिल जीत लिया है। ऐसे फिल्म्स का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होता है और यह भविष्य में भी ऑडियंस को एंटरटेन करती रहेगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।